हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू ब्लड स्क्रैग यूपीएससी सी हिंदी मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में डायरेक्टर एन एकेडमी का एजुकेटर चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की अपनी आज की क्या बोल सकते हैं लड़ाई लड़ाई इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि आज के एडिटोरियल मतलब आप लोग खुद एक बार प्लीज देखिएगा अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो लड़ाई ही थी कि कंटेंट को निकाला कहां से जाए एक एडिटोरियल तो आलिशान था और एक नया विजन हमें मिलेगा बट अन्य में तो मुझे एकदम समझ लो कि जैसे होता है ना कुएं में जा करके और थोड़ा सा पानी निकालना तो आज काफी कुछ लड़ाई करनी पड़ी काफी टॉपिक है ये वाला जो पहला एडिटोरियल बहुत बहुत मतलब काफी अच्छा ईश्वर की कृपा से बन भी गया है यह है अट ऑफ होप वि गेम चेंजिंग बैक्शीन या क्या लिखा हुआ अ शॉट ऑफ होफ विद गेम चेंजिंग वैक्सीन यही है ना नहीं तो पता लगे हाँ ठीक है प्रिपेयरिंग फॉर ओके ये वाला टॉपिक अब आप यहां वैक्सीन देख रहे होंगे तो आपको यह लग रहा होगा कि अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कोई ऐसा वैक्सीन का शॉट लगेगा और बीमारी दूर हो जाएगी कुछ अलग है बहुत बढ़िया अंदर क्या है बातचीत करते हैं और एक तो एकदम आपके यूपीएससी से कनेक्ट होगा बट बहुत अच्छा टॉपिक है फिर इसके बाद आपका फ्रंट प्यूज की फ्रंट कह रहा हूँ फ्रंट प्यूज की फ्रंट और न्यूज को मिक्स करके फ्रंट प्यूज निकल गया फ्रंट पेज की न्यूज है कंफ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड आईसीएमआर फिगर्स ये देखिए ये हो रहा है ना ये देखिए कंफ्यूजन हो गया मिसमैच हो गया हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के जो आंकड़े दिए और आईसीएमआर ने दिए दोनों में अंतर है आईसीएमआर का आंकड़ा बहुत ज्यादा वाला है यानी इंडिया में कल एक बहुत ह्यूज स्पाइक देखने को मिला है कोरोना पे अब आप समझ सकते हैं कोरोना धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है मामला बढ़ेगा ठीक है तो ये सब है इसके बाद स्पेयर इस मंकीज द वायरस ये भी एक स्टडी आई हुई है बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति जैसे कुछ लोग खाना खिलाते हैं ना बंदरों को अगर उन्होंने बंदरों को खाना खिलाया और अगर वह संक्रमित हैं तो बंदर भी संक्रमित होंगे और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ठीक है यह भी है और आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक सबसे कोविड नाइनटीन के दौर में जीवन कोविड नाइन्टीन के दौर में जीवन ये, ये निबंध है कोविड नाइनटीन के दौर में जीवन और इस निबंध के लेखक हैं पीआईबी से है ये इस निबंध के लेखक हैं पीएम नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया लिखा है जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ बच्चों ने कल मैं स, आप सबके आंसर चेक करता हूं तो कल मैंने देखा था तो कुछ लोगों ने लिखा था कि सर कोरोना का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्चरल ये सारे इंपैक्ट भी एक बार अगर आप कंप्लीटली करा देते तो बहुत अच्छा रहता अभी आप आइए देखिए अभी हम सीख रहे हैं अभी थोड़ा सा और समय लेंगे ये एडिटोरियल मतलब ये जो पीआईबी है ये इनका लिंक डाइन पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लिंक डाइन पर इन्होंने ये विचार अपने साझा किए हैं ये विचार अद्भुत है मजा आएगा कि कैसा यानी कोविड के दौर में जीवन और विश्व का जो अब ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए बहुत बढ़िया तो आज का सबसे नंबर वन टॉपिक आपका पीआईबी है याद रखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी नए बच्चे मेरे साथ अटैच हो रहे हैं वो द हिंदू पढ़ाने की शैली क्या है हम अखबार नहीं पढ़ते हैं हम अखबार के एडिटोरियल्स को क्या करते हैं इंटरलिंक करके आप लोगों के साथ उस, उसको यानी यूपीएससी के अकॉर्डिंग पेपर वन टू थ्री फोर ऑप्शनल जहां भी आना चाहता है उसको इंटरलिंक किया जाता है हावर्ड ला मतलब जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं उसी को बोलते हैं हावर्ड ला मेथड यानी सारे मुद्दों पर मैं एक डिस्कशन करता हूं उसके बाद आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसका मतलब हावर स्कूल में यही काम किया जाता है जिसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है क्यों क्योंकि लॉ लॉ स्कूल में आप अगर की प्रैक्टिस करेंगे तो केस जो आएगा वो केस बुक से तो सॉल्व नहीं होगा बुक से आपको केवल क्या मिलेगा एविडेंस मिलेंगे प्रैक्टिकलिटी आपको बहुत आवश्यक होती है तो एविडेंस और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हैं हावडला स्कूल मेथड में प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है वैसे यूपीएससी भी जो हम पढ़ते हैं वो तो पूछता नहीं है पूछता वहीं से बट उसका प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाता है तो इसीलिए हावडला आप लोग जो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं अभी हाला बहुत कम है 300 लोग हैं 400 लोग हैं बट ये हजार तक आए तब समझ में आए इनफैक्ट ठीक है इनफैक्ट हम लोग एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो एक रिकॉर्ड अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं हिंदू में और नए नए ढंग के डेली इनोवेशन करता हूं मुद्दों के साथ मुद्दों की पंक्तियों के साथ तो आप लोग भी मेरे साथ ये काम कर सकते हैं हम चाहें तो जैसे इस इस टाइम पर सत्रह हजार मिनिमम मैं बता रहा हूं मैं सत्रह हजार व्यूअर्स यानी पाठक रेगुलर हैं यानी क्योंकि मैं हिंदी में करता हूं विशुद्ध हिंदी में करता हूं तो उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल बहुत कम ही आ पाते हैं तो विशुद्ध हिंदी माध्यम के जो अच्छे स्टूडेंट है क्योंकि मेरा एनालिसिस थोड़ा सा उन्हीं को टच कर पाएगा जो यूपीएससी की अच्छी समझ रखते हैं क्योंकि सूचना तो होती नहीं पेपर से कनेक्ट होता है तो ऐसे में अगर आप लोग चाहें सत्रह हजार और प्लस उन्नीस हजार यानी इस सत्रह और बीस के बीच में, में मेरा दायरा चल रहा है अगर इसमें से सारे के सारे आंसर लिखने लग जाए तो यह भी यूट्यूब के इतिहास में क्रांति हो जाएगी मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मतलब मैं आप लोगों का सहयोगी बनू इस रेवोल्यूशन में आप लोग भी चार चार लाइन ही लिखी पता चले सत्रह हजार कमेंट एक क्वेश्चन आंसर पे जैसे मान लीजिए अभी हम पीपीआईबी करने वाले हैं मोदी जी का जो फाइव पॉइंट का विजन है अगर उसी के बारे में आप लिखिए पूरा सत्रह हजार बाप रे बाप रिकॉर्ड ही बन जाए बाकी अब आप लोगों का मैं तो भाई निवेदन कर सकता हूं कुछ ऐसा किया जाए ना जैसे होता है ना साहित्य में कहा जाता है कुछ ऐसा किया जाए ना कि शोर मच जाए तो शोर मचाने वाला काम मैं चाहता हूं आप लोग करें और लिखें अगर पसंद कर रहे हैं और चूंकि रेगुलर फॉलोअर हैं ऐसा तो नहीं कि एक एक रोज का है कि एक दिन बीस हजार हो ये सत्रह अठारह रेगुलर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो आप अगर लिखें तो मुझे लगता है बेस्ट हो जाएगा और जैसे इंग्लिश मीडियम में चर्चा होती है इनका कंटेंट उनका कंटेंट वैसे ही अपना भी चर्चा हो कि यार हिंदी मीडियम के लड़के गजब आंसर लड़कियां गजब आंसर लिख रहे हैं जैसे हम कहते हैं ना कि समथिंग इनसाइड वेबसाइट है उस पर ये क्वेश्चन आंसर होते हैं तो ऐसे ही अपना भी चर्चा हो कि भाई हिंदी मीडियम में भी जो है द हिंदू पे ऐसे आंसर लिखे जा रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा जा रहा है और आप लोग वैसा जो बच्चे लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो प्लीज अगर चाहें तो एक हम लोग कर सकते हैं साथ ही इंडिया जो भी बच्चे अपनी तैयारी जो है अब प्रारंभ करना चाहते हैं दो हजार के लिए तो अगर आपको लगता है ऑनलाइन प्लेटफार्म और वैसे भी अभी एक डेढ़ साल दो साल तो आप मान के चलेगा नहीं तो ऐसी परिस्थिति में अगर 2021-22 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो स्वाभाविक आपको क्या करना है आप हमारे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरी कोचिंग पूरा फाउंडेशन ए बी सी डी आप यहां पर कर सकते हैं और पूरा कोर्स करने के लिए देखिए फीस कितनी कम है आप खुद देखें दो साल आग, आग का आप आग कोर्स लेते हैं तिरालीस हजार दो सौ एसके लाइव मेरा कोड यूज करना है और एक साल का छत्तीस हजार अब आपके सामने देख सकते हैं कितना बड़ा ऑप्शन है और क्या मिलेगा सब कुछ मिलेगा कंप्लीट फाउंडेशन जीएस एस ऑप्शनल सी सेट फॉर प्रीलिम्स मेंस बहुत अच्छा टॉपिक है और आज का आप लोगों का कोविड नाइनटीन के दौर में जीवन कोविड नाइनटीन के दौर में जीवन पी का है ये प्रधानमंत्री कार्यालय आप लोग भी सर्च करेंगे तो मिलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय वहां से ये लिया गया है मतलब वहां पर ये डाला गया था कंटेंट कोविड 19 के दौर में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिंक आपको पता है ये नेटवर्किंग साइट लिंक है एंड नेटवर्किंग साइट पर युवाओं और व्यवसायियों के लिए साझा किए गए कुछ विचार युवाओं और व्यवसायों के लिए साझा किए गए कुछ विचार काफी लंबा था मैंने काम काम का लिया है जिसमें आज का अपना टॉपिक होगा आपको यह लिखना भी आज विश्व नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है आज विश्व यह निबंध है आपका ऐसे मॉडल ऐसे सॉरी यह मॉडल ऐसे है 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी तो आज पहला आंसर आप यही लिखेंगे आज विश्व नए बिजनेस मॉडल्स की तलाश में है यानी आज मतलब कोरोना काल में बिजनेस नए मॉडल्स की तलाश में आइए चेक करते हैं। क्या क्या इन्होंने बातचीत कही और फिर अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे में अब बिजनेस मॉडल की तलाश में है देखिए क्या क्या बातें क्या क्या होनी चाहिए पहला उन्होंने कहा अनुकूलनशीलता यानी अब क्या है अडेप्टेबिलिटी चाहिए अनुकूलनशीलता ठीक है यानी नए बिजनेस मॉडल में अब क्या क्या चाहिए तो पहली चीज चाहिए एडेप्टेबिलिटी। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे कारोबार और जीवन शैली के मॉडल्स के बारे में सोचा जाए जो आसानी से सुलभ हो आसानी से जो सुलभ हो एडेप्टेबिलिटी, ठीक है और दूसरा ऐसा करने का आशय यह होगा अगर आप ऐसा करते हैं एडॉप्टेबिलिटी तो संकट काल में भी हमारे कार्यालय हमारे कारोबार व्यापार किसी प्रकार के जो नुकसान के बिना त्वरित गति से बढ़ सकेंगे तो यानी क्या करना है एडोप्टिलिटी ऐसा मॉडल लाना है जो किसी भी एक लाइन में अगर इसको समझना चाहे एक ऐसा मॉडल लाना है जो किसी भी परिस्थिति को एडॉप्ट कर सके वो चाहे युद्ध हो विशुद्ध हो जाए या फिर कोरोना ऐसा कोई फिर से वायरस आ जाए या इसी प्रकार की अन्य परिस्थिति आ जाए जिसमें पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में आ जाए तो उसके लिए है एडोप्टेबिलिटी बिजनेस कैसा होना चाहिए अब देखिएगा कैसे जैसे डिजिटल भुगतान को अपनाना इस अनुकूलनशीलता एडोप्टेबिलिटी का प्रमुख उदाहरण है डिजिटल भुगतान यानी क्या है यानी कहना चाह रहे एडोप्टिलिटी का मतलब है टेक्नोलॉजी प्रोन टेक्नोलॉजी प्रोन बिजनेस मॉडल को अपनाना बड़ी और छोटी दुकानों के मालिकों को डिजिटल साधनों में निवेश करना चाहिए जो विशेष संकट काल में व्यापार को जोड़े रखते हैं भारत पहले ही डिजिटल लेन देन में उत्साहजनक वृद्धि का तो पहला है डिजिटल एडॉप्टेबिलिटी आप ऐसा समझ सकते हैं एडोप्टेबिलिटी मीन डिजिटल एडोप्टेबिलिटी एक अन्य उदाहरण टेलीमिशीन टेली है हम पहले से ही क्लिनिक या अस्पताल गए बिना अनेक परामर्श होते देख रहे हैं यह भी एक सकारात्मक संकेत है क्या हम ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में विचार कर सकते हैं जो दुनिया भर में टेली मेडिसिन को बढ़ावा देने में मदद करे और मैंने टेली मेडिसिन पर परसों आपको जबरदस्त कंटेंट कराया टेली मेडिसिन क्या है टेलीमेडिसिन के माध्यम कौन कौन से हैं आपने देखा होगा वीडियो कॉलिंग से लेकर के टेक्स्ट मैसेज और अंतिम वाला ईमेल तक इनकी क्या शक्ति है इनकी क्या सीमा हम लोगों ने किया है तो बिजनेस मॉडल आप पहले से ही पढ़े हुए तो ये दो चीज यहां पर महत्वपूर्ण है यानी जरा एक बार फिर से अडप्टिलिटी का मतलब होता है समय के अनुकूल समय के अनुकूल का मतलब वर्तमान में क्या है डि, डिजिटल डिजिटल का मतलब क्या हुआ उदाहरण दो डिजिटल इंडिया और उसके साथ साथ आपका टेली मेडिसिन दो पॉइंट यहां पे आप बना लीजिए फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कुशलता एफिसियंसी कुशलता e. उन्होंने कहा अब समय आ गया जब हम इस बारे में फिर से सोच विचार करें कि कुशल होने से हमारा आशय क्या है यानी कुशलता का मतलब है अब नए ढंग से हमें सोचना पड़ेगा क्या है कुशलता केवल कार्यालय में बिताया जाने वाला समय नहीं हो सकती बहुत अच्छा पॉइंट केवल कार्यालय में आप 10 से 4 समय बिता रहे नहीं कार्यालय में बैठ करके आप फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्योन्मुखी किस प्रकार के विचार अपने लिए और सिस्टम के लिए पैदा करते हैं हमें शायद ऐसे मॉडल के बारे में सोचना होगा जहां उत्पादकता और कुशलता याद रखिएगा यानी ये दोनों एक साथ उत्पादकता और कुशलता यानी अगर आप कुशल है तो आप उत्पादन करिए आप कुशल हैं तो उत्पादन करिए कुशल होने का मतलब नहीं कि आप केवल काम करिए कार्य को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए कुशलता आई होप आप समझ गए होंगे यहां पर कुशलता का मतलब होता है एक एक लाइन में मैं कर देता हूं कौशल प्लस उत्पादकता तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं कौशल प्लस उत्पादकता इज इक्वल टू समयबद्ध कार्य पूर्ति समयबद्ध कार्य यानी कि टाइम क्या करना है समयबद्ध कार्यपूर्ति यानी समय पर आपको इस ए, क्या करना है कि कोई भी काम होता कोई भी टास्क होता है समय पर पूरा करना एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग चले जैसे आप देखते होंगे भारत में जो जलपोत वगैरह है जब वो बनते हैं कितना टाइम लगता है अगर उनके लिए छह हफ्ते मतलब छह महीने का समय है तो आठ महीने में कंप्लीट होते हैं या एक साल में जापान में चाइना में अगर छह सप्ताह का है छह माह का है तो साढ़े चार माह में पांच माह में ही कंप्लीट कंप्लीट हो जाते हैं इसका मतलब उनका जो कॉस्ट आप प्रोडक्शन है वो घट जाता है और टेक्नोलॉजी समयानुकूल होती है हमारे यहां क्या होता कास्ट अप प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो एक्स्ट्रा छह महीने लगता है उतने टाइम में विश्व में अपने-अपने जलपोत में या किस में वो कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हम दोनों स्तरों पर पिछड़े रहते हैं टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी और हमारा जो कास्ट अप प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है इसलिए यहां पर ये बहुत अच्छा कुशलता इज इक्वल यानी कौशल प्लस उत्पादकता इज इक्वल टू समयबद्ध कार्यपूर्ति यानी समय पर कार्य करना तीसरा उन्होंने कहा समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी इंक्लूसिव समावेशिता अब कहते हैं आइए हम ऐसे बिजनेस मॉडल्स विकसित करें जो गरीबों सबसे कमजोर लोगों साथ ही साथ हमारे ग्रह की देखरेख को प्रमुखता यानी हमारी पृथ्वी क्लियर है पृथ्वी की देखरेख को पृथ्वी का मतलब क्लाइमेट चेंज हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है ठीक है यह सिंपल है प्रकृति मान ने यह दर्शाते हुए हमारे समक्ष अपनी भव्यता प्रदर्शित की है कि जब मानवीय गतिविधि की रफ्तार धीमी हो तो वह कितनी तेजी से फल फूल सकती है यानी कि जो इस टाइम पर मानवीय गति लॉकडाउन के कारण धीमी और प्रकृति कैसे स्वच्छ हो गई है परसों हमने भी दिल्ली में रेनबो देखा दिल्ली में रहते मुझे लगभग पंद्रह आप मानो कि बीस साल हो गया होगा अठारह साल सत्रह अठारह साल और सत्रह अठारह साल से मैं दिल्ली में हूं और रेनबो वगैरह मैंने तो भाई कभी नहीं देखा लेकिन परसों बहुत बढ़िया रेनबो देखा तो ऑब्वियस है आप देख सकते हैं भविष्य में हमारे ग्रह पर कम प्रभाव छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी और पद्धतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण होगा यह इंपॉर्टेंट है यानी समावेशिता का मतलब समावेशिता इज इक्वल टू सबसे पहले कमजोर वर्ग प्लस प्रकृति प्लस प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी में भी मतलब देख सकते हैं आप कमजोर वर्ग प्रकृति और प्रौद्योगिकी तीन पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना कोविड न 19 ने हमें यह एहसास कराया है कि स्वास्थ्य समाधानों पर कम लागत और बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है यानी स्वास्थ्य स्वास्थ्य समाधान चाहिए। हम मानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं यह पॉइंट यहां पे। अगला क्या है अवसर या अपॉर्चुनिटी अगला क्या है अवसर या अपॉर्चुनिटी हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है स्वाभाविक है कोविड नाइनटीन भी अपवाद नहीं है क्या है कोविड कोविडीन भी अपवाद नहीं देखिए हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है एक मिनट आप 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 लोगों लोगों के के लिए लोग साथ भी बातचीत करना चाहता हूं जैसे आप लोगों ने वीडियो अब तो देख ही लिया होगा जितेंद्र सिंह जी का कार्मिक मंत्रालय का उन्होंने साफ कहा है कि एग्जाम की डेट तो टलेगी मतलब वो वीडियो में बोल दिया घोषणा चार मई को की जाएगी और हम पर्याप्त समय देंगे तो जिन लोगों का मुख्य परीक्षा कमजोर है इस टाइम पे जिन लोगों का मुख्य परीक्षा कमजोर है प्रीलिम्स तो आप पढ़ ही रहे थे खूब प्रीलिम्स को रिवीजन पर रखे रहिए और अपनी पढ़ाई में अब इसी टाइम प्रीलिम्स प्रसले ही जो पोर्शन आपका वीक है मुख्य परीक्षा लगा दीजिए तो संकट यानी एग्जाम का टलना और संकट हमारे लिए अवसर के हम मुख्य परीक्षा को इस टाइम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है कोविड नाइनटीन भी अपवाद नहीं है क्या है कोविड नाइनटीन भी अपवाद नहीं है आइए हम इस बात का आकलन करें कि अब किस तरह के नए अवसर विकास के क्षेत्र उभर सकते हैं यानी अपॉर्चुनिटी क्या क्या उस पर बातचीत होगी कोविड पश्चात विश्व में अनुसरण की बजाय भारत को मौजूदा परिपाटियों से आगे बढ़ना यानी अब हमें किसी को फॉलो नहीं करना है अब हमें आगे बढ़ना है ठीक है हाइए इस बात पर विचार करें कि ऐसा करने में हमारी जनता हमारे कौशल हमारी मूल क्षमताओं का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है यानी वैश्विक नेतृत्व अवसर का मतलब हो गया यहां पर उन्होंने कहा इंडियंस को अब ग्लोबल लीडर के रूप में उपनना है वैश्विक नेतृत्व अब भारत को करना भारत का मतलब भारत देश क्या नागरिक भी भारत का युवा भी ये हो गया सार्वभौमवाद यूनिवर्सलिज्म क्या है ये सार्वभौमवाद कोविड 19 वॉर करने से पहले जाति धर्म रंग संप्रदाय भाषा या सीमा को नहीं देखता है यानी वार करना मतलब जब अटैक कर देता है तो ये बिल्कुल नहीं देखता जाति क्या धर्म क्या रंग क्या संप्रदाय भाषा या सीमा ये बहुत अच्छा है अगर कोई पूछे कोविड के बारे में तो आपके अपने भी विचार हैं कि कोविड क्या है यूनिवर्सलिज्म के कॉन्सेप्ट में चलता है इसका मतलब क्या जाति धर्म भाषा रंग कुछ भी नहीं देखता इस संकट के बाद हमारी प्रतिक्रिया और आचरण कैसा होना चाहिए एकता और भाईचारे को प्रमुखता देने वाला होना चाहिए क्या होना चाहिए एकता और भाईचारे को प्रमुखता देने वाला होना चाहिए इस घड़ी में हम सब एक हैं तो एकता और भाईचारा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना यानी यही हो गया सार्वभौमवाद एकता प्लस भाईचारा ये पांचों पॉइंट इतिहास की पिछली घटनाओं के विपरीत यानी जो इतिहास में पीछे घटित हुआ जब देश या समाज ने एक दूसरे से टकराव किया आज हम सभी एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं भविष्य मैत्री और लचीलेपन से संबंधित होगा यानी एकता भाईचारा स्वाभाविक है कि मैत्री प्लस लचीलापन यानी आपको क्या करना पड़ेगा लचीलापन वैसे भी लचीलापन जो है क्या है यह कॉमनिट्स आप लीडरशिप है नेतृत्व का एक सामान्य गुण है जिसमें आप डिसीजन में इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है लचीलापन क्या है इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है भावना और बुद्धि का समन्वय जिसके अंदर होगा वही लचीलापन का गुण रखता है भारत के अगले प्रमुख विचारों की विश्व में प्रासंगिकता और और उनका इस्तेमाल होना चाहिए उनमें केवल भारत में नहीं बल्कि समूची मानवता के सकारात्मक बदलाव की योग्यता होनी चाहिए तो यह हो गया आपका फिर इसके बाद क्या लॉजिस्टिक देखिए लॉजिस्टिक को पहले फिजिकल अवसंरचना सड़कों गोदामों बंदरगाहों के प्रिज्म से देखा जाता था लेकिन देखिएगा लॉजिस्टिक भी बदल गया लॉजिस्टिक इन दिनों याद रखेगा विशेषज्ञ आराम से अपने घर बैठकर वैश्विक आपूर्ति आप श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर सकते क्या कर सकते हैं यानी लॉजिस्टिक विशेषज्ञ आराम से अपने घर पर बैठकर वैश्विक आपूर्ति आप श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर सकते हैं भारत कोविड 19 पश्चात के विश्व में फिजिकल और वर्चुअल के सही मिश्रण के साथ जटिल आधुनिक बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक केंद्रों के रूप में उभर सकता है किसके रूप में याद रखें बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में इसका मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत बढ़िया भारत को एक हब बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं ठीक है आइए हम सब इस अवसर के लिए उठ खड़े हो और इस अवसर का लाभ उठाए तो अब आप देखें यानी कि अब फिर से एक बार वापस आ जाए जो जो पॉइंट है फटाफट उसको एक बार हम लोग मिला लेते हैं उसका यूज करना जैसे क्या था आज विश्व नए बिजनेस मॉडल्स की तलाश में वो बिजनेस मॉडल्स क्या होंगे यानी कि कोरोना के पश्चात का तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले है अनुकूलनशीलता यानी कि विश्व में प्रत्येक बिजनेस को अनुकूल होना पड़ेगा आपने सीख लिया कैसे डिजिटल के द्वारा अनुकूल हो चाहे चिकित्सा हो या किसी अन्य चाहे ग्रोजरी हो या कोई अन्य क्षेत्र हो. हो गया फिर इसके बाद क्या है कुशलता यानी एफिशिएंसी यानी कौशल प्लस कुशलता का मतलब यह नहीं केवल ऑफिशियल वर्क कुशलता को उत्पादकता के साथ कनेक्ट किया गया है जिससे क्या हो टाइम बींग काम हो जैसे जापान में होता है कहां होता है जापानी कार्य संस्कृति इसका मतलब है कुशलता मतलब हमेशा आप मानिएगा जापानी वर्क कल्चर समावेशिता यानी कमजोर वर्ग प्लस प्रकृति प्लस प्रौद्योगिकी में समन्वय होना चाहिए अच्छा पॉइंट है समावेशिता की डेफिनेशन आपको भी पता है मुझे भी पता बट ये थोड़ी और अच्छी लग रही है कि समावेशिता इज इक्वल टू कमजोर प्लस प्लस प्रकृति तो आपको पेपर थ्री में पेपर थ्री में समावेशी विकास पर जब भी लिखना होगा समावेशी विकास तो समावेशी विकास एवं मुझसे उत्पन्न विषय टॉपिक है तो आप ये वाला मारिएगा समावेशी विकास से आशय है कि कमजोर वर्ग प्रकृति और प्रौद्योगिकी का समन्वय करते हुए विकास की रणनीति बनाना ठीक है ये हो गया आपका फिर इसके बाद अवसर अवसर का मतलब है कि हम भारतीयों के पास ग्लोबल लीडर बनने का अवसर है और कैसे है कि हम ग्लोबल चेन का हिस्सा बने यानी यह अच्छा भाव है और इसके बाद सार्वभौमवाद अब यूनिवर्सलिज्म पर चलना है यानी एकता प्लस भाईचारा प्लस मैत्री प्लस लचीलापन और ये सारे मैंने बताया इथिक्स में भावनात्मक समझ क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस ये ठीक है और उसका शासन प्रशासन में इस्तेमाल तो आपके अंदर एकता भाईचारा मैत्री लचीलापन तभी आ सकता है जब आपके अंदर भावनात्मक समझ हो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण इसको मैं समझाना चाहता हूं ये एकता और भाईचारा और मैत्री को महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आया था 2018 या अठारह में भूल रहा हूं शायद 18 में आया था कि हाँ क्रोध औ, और असहिष्णुता क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु प्रतीत होते हैं महात्मा गांधी और कहा था वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बताई तो क्रोध और असहिष्णुता क्रोध का मतलब मान लीजिए मैंने आपके सामने विचार का आपने एक थप्पड़ मार दिया तो मेरे विचारों से आपको क्या हुआ क्रोध आ गया क्रोध आया इसको बोलते हैं क्रोध और उसके बाद क्या है अगला जो स्टेप आया थप्पड़ वो क्या हो गया असहिष्णुता जैसे मॉब लिंचिंग क्या है एक जनमानस में क्रोध क्रोध के बाद लिंचिंग लिंचिंग क्या है असहिष्णुता तो ये है यानी क्रोध और असहिष्णुता यानी तो स्वाभाविक है क्रोध और असहिष्णुता सही समझ सही समझ का मतलब होता है भावनात्मक समझ कि क्रोध आता भी है और आपका आपकी बुद्धि कहती है इसको मारो बट सही समझ क्या कहती है भावनात्मक समझ नहीं अपनी भावनाओं को अनुकूलित कर लेना तो स्वाभाविक है ये एकता भाईचारा मैत्री लचीलापन तभी आएगा जब आपके अंदर भावनात्मक समझ रहेगा यानी बुद्धि और भावनाओं का समन्वय और महात्मा गांधी के स्टेटमेंट से पूरी तरह रखते हुए क्या करना होगा क्रोध पर नियंत्रण करना होगा नहीं तो असहिष्णुता और सही समझ का शत्रु हो जाएगी तो यह है एकता भाईचारा मैत्री और लचीलापन और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास ये करना पड़ेगा हम लोगों को तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट आप इसके साथ चलिएगा अगला है अट ऑफ हो वि आ गेम चेंजिंग वैक्सीन ये बहुत महत्वपूर्ण मजा आएगा इस एडिटोरियल में आज एकदम झूमने वाले हैं मैं तो भाई जब बना रहा था क्या है ये देखिए गेम चेंजिंग वैक्सीन हम कोई भी पहली बार देखेगा तो ये लग जाएगा कोई ऐसी वैक्सीन आ गई है कि अब सब ठीक होगा देखिए किस वैक्सीन का काम कर गेम चेंजिंग वैक्सीन के साथ एक उम्मीद का शॉट गेम चेंजिंग वैक्सीन के साथ एक उम्मीद का शॉट और मैं इस प्रश्न को लिखने से पहले एक आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूं सोसाइटी में एक प्रश्न आया था आप लोग चेक करिएगा कि जैसे और मैंने कई बार जिक्र भी किया है पहले उसको एक बार चर्जा कर लेता हूं आई क्यू आई आगे है पूरा दिया गया है एक और कर लेता हूं सोसाइटी में पूछा था कि जो जो योजनाएं होती है एग्जैक्ट ठीक है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा जो मुझे पता है वो यही है कि जो योजनाएं होती यानी कि योजनाएं मतलब सरकार जो योजनाएं चलाती है लोगों के कल्याण के लिए उन योजनाओं को जो स्थान जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं उन योजनाओं को सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या करते हैं प्रभावित कर देते हैं को प्रभावित कर देते हैं याद रखेगा नेगेटिविटली और पॉजिटिवली भी तो आप ये क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा सामाजिक सांस्कृतिक यानी कोई भी स्कीम सरकार लाती है तो वह सामाजिक सांस्कृतिक कारक उससे बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं और कई बार इस प्रकार की योजनाएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण सफल नहीं हो पाती समझ गए यानी हमारी परंपरा हमारी रूढ़ी हमारी पेट्रियोर की यह मानसिकता जो है यह सारी चीजें हमारे ट्रेडिशंस तो ये क्या करते हैं बाधित कर देते हैं क्योंकि योजनाओं में कई बातें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी अभी तक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है या वुमेन्स को राइट नहीं है कई चीजें हैं तो यह वाला क्वेश्चन है यह उसी की बातचीत होने वाली है उम्मीद का एक शॉर्ट संदर्भ और सारांश क्या है यूजिंग लेसंस लर्न यूजिंग लेसंस लर्न अ सोशल वैक्सीन कैन बिल्ड अब देखिए आ गया ना सोशल वैक्सीन बहुत अच्छा टॉपिक सोशल वैक्सीन कैन बिल्ड सोसाइटल इम्यूनिटी यानी वो क्या करे क्या कर सकती है सोशल वैक्सीन सोसाइटल इम्यूनिटी को क्या कर सकती है बना सकती है टू द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ पैंड नाउ एंड लेटर अभी भी और बाद में भी क्या है एक बार आ जाए हिंदी में सीखे गए पाठों का उपयोग करते यानी कि पूर्व के उदाहरणों का उपयोग करते सीखे गए पाठ का उपयोग करने का मतलब क्या है यहां पर चर्चा होगी एड्स एचआईबी मॉडल की जब एड्स और एच आया था उन्नीस में तो उन्नीस में आने के बाद यानी जब ये सिस्टम में आया तो इसे महामारी सेम ऐसे ही जैसे कोरोना है ऐसी ही महामारी का संकट सामने आया और भय भी बिल्कुल ऐसा ही रहा और उन्नीस तक यह भय रहा जब तक कि उसके बारे में जागरूकता कैंपेन्स और बहुत सी चीजें आक्रामक रूप से नहीं की गई तो यही कहा गया है क्या सीखे गए पाठों का मतलब एच आई एड्स के टाइम पर दो मॉडल का जिक्र होगा युगांडा मॉडल का और उसके साथ साथ थाईलैंड मॉडल का जिक्र होगा सीखे गए पाठों का उपयोग करते हुए यानी उससे सीखिए एक सामाजिक टीका क्या करें एक सोशल वैक्सीन आप, आप सामाजिक टीका मत लिखिएगा एग्जाम में सोशल वैक्सीन ही लिखिएगा अच्छा लगता है एक सोशल वैक्सीन महामारी के विनाशकारी प्रभाव के लिए सोशल एंटीबॉडी सामाजिक प्रतिरक्षा का निर्माण कर सकती है अभी भी और बाद में भी यानी सोशल वैक्सीन और उसके साथ साथ सोशल प्रतिरक्षा ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रख करके इस टॉपिक को देखना नया है मजेदार है एक आईक्यू आईपी मैंने सोसाइटी में सामाजिक मुद्दों में इसे कनेक्ट कर दिया और एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आया हुआ तेरह से अठारह में ही आप चेक करेंगे अब आइए इसको और कनेक्ट करते हैं कनेक्ट कैसे करते हैं पहले क्वेश्चन इस बार देखेंगे तब आएंगे सिलेबस में देखिएगा फिर से एक बार समझा दू तब क्वेश्चन में आता हूं क्या कहा गया सीखे गए पाठों का उपयोग करते हुए यानी आपने जो पीछे सीखा उसका उपयोग करिए और पूरे एडिटोरियल में क्या बातचीत है कि आप सोशल वैक्सीन का मतलब है कि समाज में समझाना बुझाना प्रोत्साहन यानी वही है सोशल वैक्सीन और कैसे कैसे है वो पूरा स्टाइल वहां पर बताई गई यानी मॉडल बताया गया अब आइए पहले यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में ये एडिटोरियल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है 2016 में एक प्रश्न आया था कि सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए यानी हाउ कुड सोशल इंफ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान अब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा कि सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए योगदान कर सकता है क्लियर है तो वैसे ही यहां पर भी हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं यानी इसी सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना के द्वारा हम स्वच्छ भारत हम कोरोना संकट कोरोना संकट से निपट सकते हैं यह याद रखिएगा कोरोना संकट से निपट सकते हैं अभी भी और बाद में भी आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरा एडिटोरियल में यही बातचीत होने वाले यानी कहा गया कि जब कानून विधि रूल ये सब काम ना करें वैसी परिस्थिति में समाज को तैयार करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता और कैसे करना हम लोग पढ़ना इसका मतलब है आईक्यू आई पी जीएस पेपर फोर इथिक्स इंटीग्रिटी यूनिट आपकी है इसमें टू एंड फोर दो यूनिट मैंने लगाई है अभिवृत्ति क्योंकि वहां अभिवृत्ति भी बताया गया ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लगा रहा हूं अभिवृत्ति सारांश संरचना वृत्त विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि लिखा गलत लिखा हिंदी में सिलेबस गलत है राजनीतिक अभिवृत्ति सामाजिक प्रभाव और धारणा हिंदी में यह भी गलत है सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन तो आप आप हिंदी हिंदी में में कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश भैया जब सब गलत लिख रहे हैं तो क्या किया जाए क्लियर हो गया यह टॉपिक आपको आ गया दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन में उनका उपयोग दोनों का इस्तेमाल आपका जबरदस्त रूप से आगे होने वाला चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को प्रमुख तत्व क्या सोशल वैक्सीन क्या फिर वापस आएंगे पीछे सोशल वैक्सीन क्या है देख लीजिए अब आप ये मैं नहीं लिख रहा हूं राइटर लिख रहे हैं सामाजिक और व्यवहारिक उपायों का रूपक मेटाफर बोलते हैं इंग्लिश में मेटाफर रूपक को मेटाफर बोलते हैं यानी सोशल वैक्सीन सामाजिक और व्यवहारिक उपायों का मेटाफर है सामाजिक और व्यवहारिक उपायों का क्या है ये ये मेटाफर है या रूपक है आइए जरा फिर से प्रश्न पे समझ में आ गया सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना ये इसी को बोलते हैं सोशल वैक्सीन इसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं सोशल वैक्सीन और सोशल वैक्सीन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को कैसे आगे बढ़ाया गया और सोशल वैक्सीन के माध्यम से कैसे हम कोरोना वायरस से निपट सकते हैं जैसे एग्जाम्पल अब यहां से आते हैं सोशल वैक्सीन एग्जाम्पल लोगों की अभिवृत्ति चेंज करो एटीट्यूडनल शिफ्ट कहा गया एटीट्यूडनल चेंज अब अभिवृत्ति को क्या है अभिवृत्ति किसी भी विचार वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया आपका रवैया कि किसी भी घटना का आप मूल्यांकन कैसे करते पॉजिटिवली सकारात्मक नकारात्मक या तटस्थ और अभिवृत्ति में एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जैसे पीछे भी हम लोग अभिवृत्ति क्या बनाती है अभिवृत्ति आदत बनाती है आदत चरित्र बनाता है और ये चरित्र क्या बनाता है इंसान बनाता है और यही इंसान सिस्टम में आता है ठीक है तो स्वाभाविक सिस्टम में आता है ज जैसी अभिवृत्ति वैसी आदत तो चरित वैसा चरित्र वैसा इंसान वैसा सिस्टम तो यही कहा गया सोशल अभिवृत्ति क्या होती है पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है और तटस्थ भी होती है तो खैर तटस्थ को हटा दीजिए तो जिनकी पॉजिटिव है तो अगर यहां यही कहा गया सोशल वैक्सीन समाज में रहने वाले लोगों को हम सामाजिक और व्यवहारिक उपायों के द्वारा किसी भी सिस्टम में आए संकट के लिए अगर तैयार करेंगे उनकी अभिवृत्ति को पॉजिटिव बनाएंगे तो उस संकट के प्रति उनकी अभिवृत्ति पॉजिटिव बन जाएगी वैसे ही उनका चरित्र डेवलप हो जाएगा वैसे ही वो इंसान बनेंगे और वैसे ही सिस्टम के साथ वो क्या करेंगे सहयोग करेंगे इसे बोलते हैं कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करेंगे सहयोग करेंगे यही पॉइंट है अभिवृत्ति में क्लियर है फिर इसके बाद क्या है अभिवृत्ति आपको पता है बनती कैसे ये एक पॉइंट और बता देता हूं तो और अच्छे से अभिवृत्ति बनती कैसे संज्ञान भावना और व्यवहार तीन कॉन्सेप्ट होते हैं इसको मैं हिंदी में बताता हूं इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एथिक्स वहां जो सिलेबस में लिखा है ना एथिक्स की संरचना और उसके घटक बनती कैसे संरचना इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो स्ट्रक्चर इस इसका कैसे होता है हिंदी में उसे बोलते मैं कहता हूं संभाव्य ठीक है ना सम का मतलब होता है संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक भा का मतलब होता है भावात्मक और व्या का मतलब होता है व्यवहारात्मक क्या हो गया यानी संज्ञान भावना और व्यवहार ये तीनों संज्ञान का मतलब होता है जानना भावनात्मक का स्तर महसूस करना और व्यवहार का मतलब उसे प्रैक्टिकली व्यवहार का मतलब क्रिया यानी एक्शन में लाना ठीक है ना तो ये हो गया यानी इंग्लिश में बोलते 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 हैं 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 इसे इसे क्या क्या इमोशनल और व्यवहार में बिहेवियरल तो तीन चीजें हैं अब आप खुद देखिए कि सोशल वैक्सीन यहां यही कहा, कहा जा रहा है कि सामाजिक और व्यवहारिक उपायों का इस्तेमाल करना है तो संज्ञान जिससे हम लोगों को उनकी अभिवृत्ति में कैसे परिवर्तन लाएंगे तो हम जैसे कोरोना है कोरोना क्या है अभिवृत्ति का विषय है कोरोना के बारे में हम क्या करेंगे यानी सबसे पहले उसके बारे में लोगों को बताएंगे बताने के बाद उनको हम अनेकों तरीकों से समझाएंगे जिससे वो महसूस कर सके कि हां इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है एक महामारी हम इससे कैसे निपट सकते हैं और जब वो महसूस करने में कामयाब हो गए तो हमने क्या किया धीरे धीरे उनके व्यवहार में इस चीज को ढाल दिया और संज्ञान भावना और व्यवहार के इस इस संयोजन के द्वारा एक सोशल वैक्सीन तैयार हो गई और उस सोशल वैक्सीन के द्वारा हमने कोरोना या ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सुनिश्चित कर लिया क्योंकि समाज को जागरूक करना ही सबसे प्राथमिक कर्तव्य है तो आप देख सकते हैं ये यह यहां से आपको लेकर के चलना है ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर है संज्ञान भावना और व्यवहार फिर उन्होंने कहा दूसरा क्या करना है और कौन सा नहीं सामाजिक उपाय करने हैं समाज का मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है सांस्कृतिक उपाय करने जो मैंने बताया संस्कृति का मतलब क्या कि हमारे विचार महिलाओं को राइट नहीं है वो बातचीत नहीं कर सकती सारे निर्णय ग्रामीण समाज में कौन लेता है जातियां हैं ऊंच नीच ये तो सामाजिक उपाय भी करने होंगे आर्थिक उपाय भी करने होंगे यानी जो भी बीकर सेक्शन है उनके लिए आपको हर चीज सुविधा उपलब्ध करानी होगी सभी के लिए और फिर क्या गया आईईसी ई सी इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन ई से एजुकेशन और सी से कम्युनिकेशन इन तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को लोगों तक क्या करना पहुंचाना यानी एजुकेशन और कम्युनिकेशन ये तीन चीज तो ये है सामाजिक और व्यवहारिक उपाय क्या क्या करने हैं ठीक है इसका उपयोग कैसे करेंगे सरकारें सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में सार्वजनिक चेतना बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं यानी इस सोशल वैक्सीन का उपयोग सरकारें क्या कर सकती हैं सामाजिक गतिशीलता यानी कि समाज में ले जाकर के अस्वास्थ्य स्थितियों यानी कोरोना के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं नेगेटिव उसके बारे में क्या कर सकती है सार्वजनिक चेतना बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है जैसे स्वच्छता भारत अभियान पर क्वेश्चन आया वैसे ही दिमाग में यहां पे आपको रखना है। तो ये हो गया आपका <coughs> फिर इसके बाद उन्होंने कहा सामाजिक लाम ब, बंदी करने मॉडल का, मतलब का उसमें काफी आंकड़े मैंने आंकड़े नहीं लिए हैं मैंने केवल मॉडल लिया एच आई बी एड्स मॉडल युगांडा और थाईलैंड का मॉडल सबसे ज्यादा प्रभावित आपको पता होगा कि थाईलैंड में सेक्स को मतलब जो है उनके टूरिज्म का एक पार्ट माना जाता है सेक्स जो पूरा पूरा मतलब जो विषय वृत्ति है उसे आप कहते हैं तो युगांडा और थाईलैंड का मॉडल की बातचीत यहां पर की गई देखिए क्या था इसमें यह कहा गया जो धार्मिक और सामुदायिक नेता होते हैं ये परिवर्तन के एजेंट होते हैं जरा याद रखिएगा धार्मिक और सामुदायिक नेता परिवर्तन के एजेंट होते हैं यह पॉइंट जरा गहराई सर लेकिन यहां आने से पहले मुझे एक पॉइंट और समझाना पड़ेगा अभिवृत्ति वाले में जो मैं बता रहा था एक पॉइंट जरा याद कर लीजिएगा जब मैंने बताया संज्ञान भावना और व्यवहार तो तीनों जब मिलते हैं ना एक शब्द याद रखेगा इसको बोलते हैं सम अभिवृत्ति सम और एक होता है विषम यानी कि संज्ञान है जानकारी है कि कोरोना की समस्या है और हम भावना में महसूस भी कर रहे हैं बट हम क्या करें घरों से बाहर निकल जा रहे हैं इसको बोलते हैं विषम अभिवृत्ति तो सम अभिवृत्ति और विषम अभिवृत्ति यहां पर सम अभिवृत्ति की आवश्यकता है यह चीज अपने दिमाग में रखिएगा और फिर उसी से मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं क्या परिवर्तन के एजेंट अब देखिएगा आपके सिलेबस में अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक ये जरा इसको तब और समझ क्या है अभिवृत्ति को तब और को परिवर्तित करने वाले कारक यह भी क्वेश्चन आ चुका आप चेक करिएगा 2014 में पूछा था अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक को परिवर्तित करने वाले कारक देखिए इसमें लिखा हुआ इसीलिए इसको यहां मैं लिख रहा हूं अब अभिवृत्ति कैसे बनती है पीछे पड़ा स्ट्रक्चर परिवर्तित करने वाले कारक देखिएगा युगांडा और थाईलैंड का मॉडल और इसमें कहा गया कि धार्मिक और सामुदायिक नेता ये होते हैं अभिवृत्ति को परिवर्तित करने के कारक या परिवर्तन के एजेंट धार्मिक और सामुदायिक नेता यह रणनीति एड्स महामारी के दौरान अपनाई गई याद रखें यह कब अपनाई गई महामारी के दौरान और इसका नाम दिया गया एस बी सी सी एस से सोशल एंड बी से बिहेवियर सी से चेंज और सी से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इसको आप रट लीजिएगा एथिक्स में हर जगह यूज होगा वो सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटी देखिए सोशल एंड बिहेवियर चेंज यही तो स्वच्छ भारत अभियान में यूपीएससी ने पूछा तो सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनाया गया परिणाम क्या हुआ नाटकीय रूप से मृत्यु दर कम हुई वायरल भार भी कम हुआ और संक्रमण संचरण में कमी आई यही कहा गया यही मॉडल जो पीछे दिया गया अभिवृत्ति सामाजिक आर्थिक वार्थिक और उसके बाद यह दिया गया एच आई एड्स युगांडा और थाईलैंड का मॉडल अपनाने की आवश्यकता कैसे अब देखिए फिर भाई चलो यह ठीक कैसे हाउ जागरूकता कैंपेन का एड्स मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल 100% परसेंट कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यह कैंपेन चलाया गया थाईलैंड में और जबरदस्त सक्सेस रहा चूंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया यह युगांडा में क्या हुआ इसी को युगांडा में क्या वक्त जो कैथोलिक चर्च था यानी ये इस पर सबसे ज्यादा लोगों को ट्रस्ट था धार्मिक और सामुदायिक एजेंट ना परिवर्तन के भी आपने पढ़ा ना धार्मिक और सामुदायिक एजेंट तो धार्मिक एजेंट कौन था कैथोलिक चर्च युगांडा का लेकिन ये प्रारंभ में ये हंड्रेड परसेंट कांडोम यूज ये इन्होंने बोलने से मना कर दिया क्यों क्योंकि कैथोलिक धर्म में माना जाता है कि अगर कोई संतति जन्म लेने जा रही है तो मानव को हक नहीं कि उसको वो जो है मारे कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं मतलब यही है ये मैं ऐसा बोल रहा हूं कुछ ऐसा ठीक है तो ऑब्वियस युगांडा तो शुरू में युगांडा में यह दिक्कत कंट्रोल नहीं हुई था, बट बट थाईलैंड में क्या हुआ थाईलैंड में मतलब इसमें केवल एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि हंड्रेड परसेंट क्वाडम यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ऐसी ना जाने कितनी जानकारियां सबका मॉडल अपनाया गया तो थाईलैंड में क्या किया गया देखिए यहां बोल नहीं रहते और यहां पर तो धार्मिक समूहों ने सामुदायिक एजेंटों ने किया ही किया प्लस हास्य रूप को यानी नाटक वगैरह के द्वारा का प्रयोग किया और इसके और इसके साथ साथ जब वो हास्य रूपकों का प्रयोग करते थे नाटक और ये सब करते थे उसी के साथ वो कॉन्डोम का सामाजिक विपणन भी करते थे इसके कारण से सोसाइटी ओपन हो गई और एड्स पर कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर नियंत्रण लगा और ये आप सबको भी पता है इसमें कोई नई बात नहीं है ये है ये क्यों क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ये उपाय क्या प्रचलित सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक व्यवहारिक और कानूनी मानदंडों से जुड़े हुए हैं ऐसे में इस प्रकार के मॉडलों का इस्तेमाल करना चाहिए यही पॉइंट यहां पर कहा गया फिर इसके बाद सोशल वैक्सीन के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे सोशल वैक्सीन के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे तो सबसे पहले उन्होंने और भी हैं यानी इसके कंपोनेंट कौन कौन होंगे घटक कौन कौन होंगे तीव्र स्केलिंग अप है दूसरा जहां आवश्यक हो मनोवैज्ञानिक समर्थन चूंकि लोग मेंटली भी कहीं ना कहीं हेरस हो रहे मनोवैज्ञानिक समर्थन तीसरा महामारी का संप्रदायीकरण एवं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए यह भी और फिर इसके बाद क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सॉरी <coughs> संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को या उनके परिवारों की गोपनीयता एवं गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह मैं इसलिए यहां पर यह पॉइंट आया हुआ है उन्होंने वहां बीच में लिखा है कि एड्स के कारण लोग कलंकित जीवन जी रहे थे कोरोना के कारण भी अगर उनकी जानकारी ऐसे ही आएगी तो कोरोना कंट्रोल के बाद भी वो परिवार वो लोग जो पीड़ित हैं वो कलंकित जीवन जिएंगे यानी बिल्कुल एड्स के रोगियों की तरह क्लियर है तो ये हो रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में संक्रमित फिर इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और कमजोर वर्गों की बुनियादी और आर्थिक जरूरतों को पूरा यानी सोशल वैक्सीन और उसको इन सहायक उपकरणों के द्वारा ये सारे के द्वारा आगे बढ़ाना ये टॉपिक आपका यहां खत्म होता है तो अच्छा टॉपिक है बहुत बढ़िया तो आप लोग प्रश्न लिखिएगा एक प्रश्न हम लोग बना लेते हैं प्रश्न क्या बना लेते हैं यहां पे प्रश्न एक बनाते हैं सोशल वैक्सीन सोशल वैक्सीन ब्रेकेट में हम मैं लिख रहा हूं समझाना बुझाना एवं प्रोत्साहन सॉरी समझाना बुझाना एवं प्रोत्साहन प्रोत्साहन ठीक है ना ये हो गया प्रोत्साहन कोरोना वायरस तो हराने में किस प्रकार किस प्रकार योगदान किस प्रकार योगदान कर सकते हैं किस प्रकार योगदान कर सकते हैं तो आप एक प्रश्न लिखिएगा और पूरा फॉर्मेट यही लेकर के चलेगा ठीक है और इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने ऐसे बताया भावनात्मक समझ तो आप उसके हिसाब से तो चल लीजिएगा ही लेते हैं वो भी लिख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं क्वेश्चन भावनात्मक समझ क्या है भावनात्मक समझ क्या है यह किस प्रकार एक बड़ी महामारी से निपटने में सहायक है सहायक है सोदाहरण स्पष्ट करें ठीक इसमें खूब उदाहरण पूछता है सोदाहरण स्पष्ट करें क्या करें सोदाहरण स्पष्ट करें यानी भावनात्मक समझ क्या है या किस प्रकार एक बड़ी महामारी से निपटने में सहायक है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए तो जो नए बच्चे उनको बता देता हूं जिससे आपको भावनात्मक समझ डेनियल गोलमैन मनोवैज्ञानिक है उनकी संकल्पना है हालांकि इसके पहले पीटर सलोबी जान मेयर इसमें बहुत कुछ रहा है थार्न डाइक एक मनोवैज्ञानिक थे थार्न डाइक मनोवैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक बुद्धि का उसी सामाजिक बुद्धि से ये ये जो है भावनात्मक समझ निकला है सबसे पहले पीटर सलोबी और जान मेयर ने इसका इस्तेमाल किया बट डेनियल गोलमैन ने इस पर काफी रिसर्च किया और उसके बाद 2021वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है ये अमेरिका में इसका सॉरी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज थे वहां इसका इस्तेमाल हुआ और फिर ये वैश्विक रूप से प्रचलित हो गई इसके सक्सेस को देखते हुए इसमें भाव है क्या है डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक समझ आत्म अभिप्रेरणा प्रदान करती सेल्फ मोटिवेशन इसके आ, मतलब आधार पर किसी भी परिस्थिति में मानव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है एडॉप्ट कर लेता है मोदी जी पहली लाइन क्या बोले थे जिसको लीडर बनना क्या करना पड़ेगा एडॉप्टेशन करना पड़ेगा ना एडॉप्शन करना पड़ेगा एडॉप्शन करना पड़ेगा वही चीज तो वो क्या करता है अपने आप को अनुकूलित कर लेता है बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट और इतना है, है। मोटिवेशन और अनुकूलन दो चीजें आप अगर सिस्टम के प्रति अनुकूलित हो जाएंगे यानी सिस्टम में ने कहा कि घर में रहिए लॉकडाउन है घर में रहिए अनुकूलित हो जाएंगे महामारी पर कंट्रोल होगा अनुकूलन भावनाओं का प्रबंधन करना अनुकूलन है महामारी से निपटने में कैसे सहायक है तो आप बताएंगे कोरोना की महामारी उस महामारी को रोकने के लिए जो कार्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस आप बता दीजिएगा गाइडलाइन बताने के बाद आप बता दीजिएगा इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है इसके साथ साथ आप बता देंगे भारत में चिकित्सा की स्थिति क्या है यानी कहीं ना कहीं बेड की संख्या कम पड़ सकती है अगर आबादी ज्यादा संक्रमित हुई ऐसे में सब लोगों को इन गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अपने आप को अनुकूलित करना पड़ेगा इन नियमों के साथ और जब वो अनुकूलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉकडाउन का अनुपालन होगा या लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सिस्टम का सिस्टम ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका अनुपालन होगा तो धीरे धीरे अनुकूलन के कारण इस समस्या पर हम नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे यह पॉइंट आप डिलीवर कर दीजिएगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो चलते हैं आगे ठीक है इकोनॉमी इन लॉकडाउन इकोनॉमी इन लॉकडाउन तो यह अब मैंने पहले बताया था बहुत अच्छे टॉपिक तो है नहीं क्लियर है इकोनॉमिक इन लॉकडाउन क्या है लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था आई एम एफ के संशोधित अनुमानों के, के, के बाद भारत को ऐसी योजनाओं को अपनाना चाहिए जो सबसे खराब स्थिति का सामना करती है यानी कि बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें कैसे ओवरकम करना है तो पेपर थ्री इकोनॉमिक्स कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें बस केवल हमें ने क्या कहा वो पकड़ना है तो यूनिट वन भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना विकास प्रगति रोजगार आईएमएफ के, के आंकड़ों पर तो ट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए फिर भी ठीक है आई का अनुमान आई ने वित्त वर्ष दो के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 1.9 फीसद कर दिया है और इससे पहले जनवरी 2020 में आईएमएफ ने ये 5.8 परसेंट बताया था ये मंगलवार को जो है पिछले ये आई हुई है आईएमएफ ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 1930 के बाद की सबसे बुरी मंदी में धकेल रहा है सब आपको पता ही पता है कोरोना वायरस प्रकोप से डिमांड और सप्लाई बाधित रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों पर काफी बुरा असर पड़ेगा वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 4.2 फीसद रहेगी जबकि सांख्यिकी विभाग ने इंडिया का स्टेटिकल डिपार्टमेंट ने इसे पांच फीसद बताया तो सिंपल सी बात है इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ना और फिर इसके बाद क्या है समाधान इसका क्या है छोटा एडिटोरियल था तो उन्होंने कहा बृहद प्रोत्साहन पैकेज देने की आवश्यकता है क्यों क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और साथ ही औपचारिक क्षेत्र में श्रम आपूर्ति करनी है बड़ा गहरा पॉइंट है ये थोड़ा सा समझिएगा अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार करना नाइन परसेंट इकोनॉमी एक, आपकी अनौपचारिक है तो इंडिया को बहुत बड़े प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है है क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा मार पड़ती अनौपचारिक क्षेत्र पर ही क्लियर है ऐसे में इसको बैलेंस करना है तो बृहद औपचारिक में श्रम आपूर्ति यानी औपचारिक का मतलब जो भी कॉर्पोरेट कंपनी निगम है ये जब काम शुरू करेंगे तो जब इनके यहां वर्कर्स काम करेंगे तो ये स्टार्टिंग में पे इनकी पेमेंट कैपेसिटी सबको जैसी पहले हुआ करती थी कि इसकी बे, बेजेस की यानी वेतन की नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में औपचारिक क्षेत्र में श्रम आपूर्ति को सुनिश्चित कराना इस बृहद प्रोत्साहन पैकेज का एक भाग होना चाहिए यानी कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे कंपनी को अपने एंप्लॉइज को वेतन देने में उनको अपनी आर्थिक गतिविधियों को मतलब रोकना ना पड़े उसके लिए सरकार कुछ यहां पर इनिशिएट करे तो यह है बस बाकी फोकस ऑन द कर्व तो ये तो आ ही गया फोकस ऑन द कर्व वक्र पर ध्यान दें क्या है नए संक्रमणों की गति को कम करना सटीक डाटा के माध्यम से हॉटस्पॉट का पता लगाने पर निर्भर करता है तो वही है इसमें क्या हम लोग पढ़ी रहे हॉटस्पॉट वगैरह पता लगाओ कुछ भी नहीं है प्रमुख तथ्य क्या हो रणनीति कहते हैं दो कंपोनेंट होना चाहिए परीक्षण रोकथाम एवं उपचार और कमजोर वर्गों के लिए संकट निवारण तो ये सब तो आप लोग पता है तो मैंने कर दिया कि ये देखिए कॉट इन दाइटेंड आरका कम्युनल पॉलिमिक्स ये थोड़ा सा बहुत खतरनाक इन्होंने लिखा है जिंदल यूनिवर्सिटी की है और कुछ ज्यादा ही लिख दिया है मतलब जैसे पूरा धोया है तो धोने वाले आर्टिकल थोड़ा सा मैं कम लिख देता हूं तब तबलीगी जमात के मुद्दे और उसके संदेशों से परे इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात को छोड़ दो मूल विषय है महामारी से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना और इन्होंने सीएम योगी और जितना भी मतलब बीजेपी पूरा एक एक होता नहीं है सब मुद्दा खंगाल डाला है तो कोई मतलब नहीं हम लिख ही नहीं पाएंगे पसंद होने अगर आपको है भी तब भी नहीं लिख पाएंगे तो कोई मतलब नहीं मतलब बहुत ज्यादा जैसे आलोचना नो डिसेंट नो डेमोक्रेसी ये आपको पता है ये हिंदू का है ये संपादकीय होता है इसमें इनके अपने विचार होते हैं हमें कभी कभी कुछ हमारे लिए मिल जाता है ठीक है तो बाकी बिना असंतोष लोकतंत्र नहीं यह अच्छी लाइन मुझे मिली इसीलिए मैंने इसको मंडे को आता है क्यों? बिना असंतोष लोक निबंध है निबंध लिख लीजिएगा ये ये आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए निबंध बिना असंतोष लोकतंत्र नहीं यानी लोकतंत्र में असंतोष होना ही चाहिए यह कहा गया संदर्भ सारांश क्या है उन्होंने कहा है कि क्या कहा नो गवर्नमेंट वट एवर बी द सर्कमस्टेंसेज हैज द राइट टू टेक अवे आवर फ्रीडम जस्टिस एंड इक्वालिटी यानी क्या कहा कैसी भी स्थिति हो कैसी भी स्थिति हो कोई भी सरकार हो उसे स्वतंत्रता न्याय और समानता छीनने का अधिकार नहीं यानी कैसी भी स्थिति हो कोई भी सरकार हो उसे स्वतंत्रता न्याय और समानता ये तीनों छीनने का अधिकार नहीं है प्रमुख तथ्य क्या है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी 2018 भीमा कुरेगांव घटना पर गौतम आनंद तेल तुबंडे की गिरफ्तारी यूपी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए न्यूज पोर्टल द वायर के संपादक पर केस दर्ज ये कह रहे हैं सब नहीं होना चाहिए गलत है तब ये ठीक है अब आप लिख ही नहीं सकते तो खुद खुद ही कह रहे हैं कि सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मतलब वहां पर शब्द आपत्ति जनक और खुदे कह रहे हैं कि दवायर के संपादक पर केस दर्ज इनके हिसाब से ये नहीं होना था लेकिन खुद ही लिख रहे हैं आपत्ति भाई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर तो केस हो सकता है तो आप यहां से यह देखिएगा और फिर इसके बाद इन्होंने कहा आपातकाल और जयप्रकाश नारायण जी का ज, ज, जिक्र किया कि आपातकाल था तो भैया बिना संतोष यहां पर भी जयप्रकाश नारायण ने असंतोष को जागृत किया और तभी लोकतंत्र जिंदा है तो हुआ इनका यही है कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है लेकिन आप ऐसा लिख नहीं सकते हैं, तो विचारों के लिए आप विचार कर लीजिएगा न्यू पॉलिटिकल फील्ड इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर में एक नए राजनीतिक मैदान की तैयारी संदर्भ सारांश क्या है यानी कि नए राजनीतिक मैदान का मतलब एक पार्टी बनी है अपनी पार्टी जिसे केंद्र सरकार सपोर्ट करती है तो ये अगर एक्शन में रहेंगे तो पीडीपी अभी एक्शन में नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी एक्शन में नहीं है तो इसीलिए कहा गया कश्मीरी एकमात्र दर्शक है यानी उनकी लेखक के हिसाब से राजनीति में उनकी कोई भागीदारी नहीं वो क्या है दर्शक है क्योंकि नई दिल्ली द्वारा एक नए राजनीतिक आर्डर की रूपरेखा तैयार की जा रही है यानी वहां पर नई दिल्ली अपने हिसाब से राजनीति चाहती है तो ऑबियस भी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता बस इश्यू है कभी कुछ आया एग्जाम्पल तो मैं कनेक्ट करने के लिए मैंने करा दिया फिर इसके बाद क्या सिंगिंग द कोरोना ट्यून तो ये तो बेकारी था कोरोना मतलब वही है गो कोरोना गो गो कोरोना कई गानों की बातचीत हो रही है कोरोना कोरोना ये देखिए लिखा गो तो कौन कौन से रिंग इस समय टोन चल रहे हैं कोरोना और ये सारी चीजें तो कोई मतलब नहीं है कंफ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्रीज आईसीएमआर फिगर यानी यहां बताया गया आईसीएमआर का डाटा कुछ और बताता है आईसीएमआर ने कहा सत्रह सो सत्रह हजार छह सौ पंद्रह पॉजिटिव है आईसीएमआर बट सरकार का जो आंकड़ा था सरकार का आंकड़ा इससे काफी कम था तो इसीलिए कहा गया कि ये जो है मिस मैच हो रहा है ये सिंपल सी बात है तो ये जान लीजिएगा ये भी कहा गया मंकी को द वायरस आपको पता है कि अगर इनको कोई एफेक्टेड व्यक्ति खिलाएगा तो क्या करेगा बहुत दिक्कत करने वाला ओके मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें आप लोग तब तक के लिए जय हिंद लेट्स क्रैक इट